यह वीरता की पहचान। भगवान राम ने कहा कि रावण बलवान नहीं है, रावण तो गुंडा है, रावण चरित्रवान नहीं है, रावण बलवान भी नहीं है, तो रावण धनवान है क्या? अयोध्या के आगे उसका धन फैल, किसी काम का नहीं। अयोध्या के धन की तुलना की जाए अगर लंका के धन से, बस अंतर इतना है कि रावण धन का प्रदर्शन करता है, दशमुख जो है धन का प्रदर्शन करता है, और दशरथ जी धन का प्रदर्शन नहीं करते, बस इतना अंतर है। बोलो है अंतर कि नहीं, जल्दी बोलो है अंतर कि नहीं। जैसे किसी बनिया को धन मिल जाए या उसके पास धन हो तो वो प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन धन होता है उसके पास, उसको विरासतन भी मिलता है बहुत, और बुद्धि से भी पैदा करता है, लेकिन प्रदर्शन कभी नहीं करता है। जब मिलोगे तब भैया इतने ही में काम चला लेता है। क्यों भाई, चला लेता है कि नहीं चला लेता है? लेकिन आपको मालूम है अगर थोड़ा सा किसी दरिद्र को धन मिल जाए, किसी दरिद्र को थोड़ा सा धन मिल जाए तो फिर वो सीना तान के चलता है, है कोई जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। थोड़ा सा धन मिल जाए बस, बोलो यही कहता है कि नहीं कहता? घूमता फिरेगा वो। याद रखना ये धन का प्रदर्शन है। क्या है ये धन का प्रदर्शन है, कभी धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ ने धन का प्रदर्शन नहीं किया और दशमुख ने धन का प्रदर्शन किया है, इसलिए दशरथ के समान धनवान दशमुख नहीं है, दशरथ के समान। आप कहो कैसे, सुनो जरा रावण के बारे में चर्चा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना चौहट हठ सुभट भी थी चार पुर बहु विधि बना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना, ये प्रमाण है कि लंका सोने की है। अरे भाई लंका सोने की है, लेकिन याद रखना ध्यान से मेरी बात को सुनना, अयोध्या का भी प्रमाण है, अयोध्या में कनक भवन है। क्या है? कनक मानी सोना, कनक भवन। लेकिन और सुन लीजिए, अवधराज सुर राज सिहाही दशरथ धन लख धनद लजाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। महाराज दशरथ के धन को देख करके देवराज इंद्र और कुबेर ये दोनों लज्जित होते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं, जब भी कोई धन मांगता है तो वो लोग कुबेर से मांगता है कि नहीं मांगता है? किससे मांगता है जल्दी बोलो, किससे मांगता है? कुबेर से मांगता है। लक्ष्मी जी की कृपा मांगता है तो भगवान नारायण से मांगता है। क्यों भाई? कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, हे भगवान कृपा करो, तो नारायण से मांगता। बोलो भाई मांगता। और धन मांगता है तो कुबेर से मांगता है कोई? आज तक कोई माई के लाल ने नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो रावण से धन मांगा? मांगा हो तो बता दो, बहुत बड़ा धनवान है तो किसी नास्तिक ने, जो रावणीय विचारधारा के लोग हैं वो तो कम से कम कहते कि भैया हम तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं, तुम ही हमको दो सप्लाई, तुम करो धन, क्योंकि हम तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं, धन की सप्लाई तुम करो क्योंकि हम तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं, झंडा उठाए फिर रहे हैं तुम्हारे नाम का। सावधान, धन का प्रदर्शन किया है रावण ने, हम उसे धनवान नहीं मानते। बोलो मानेंगे क्या? जैसे किसी शराबी को, रावण से बड़ा शराबी नहीं है कोई, करै पान सोवै दिन राती, उसकी बहन कह रही है, बहन करै पान सोवै दिन राती, शराब पिए रहता रात दिन पड़ा रहता शराब पी करके, सबसे बड़ा शराबी है कि नहीं जल्दी बोलो। अच्छा आप कल्पना करना, शराबी व्यक्ति को अगर थोड़ा धन दे दो, अगर धन दे दो तो ईमानदारी से बताओ
वो वैसे तो शराब के नशे में बलबलाता ही है, अगर उसे कहीं धन मिल जाए तो पूरे मार्केट में प्रदर्शन करेगा धन का कि नहीं करेगा? बोलो, करेगा प्रदर्शन कि नहीं करेगा? ऐसे ही रावण के द्वारा धन का प्रदर्शन होता है। मैं उसे धनवान नहीं मानता हूं, सच्चा धनवान तो वो है जो अपना धन धर्म में लगा दे, उसी को सच्चा धनवान कहते हैं प्यारे। जो अपना धन अधर्म में लगा दे उसे धनवान नहीं कहा जाता है। सच्चा बलवान वही है जो अपने बल को देश की सेवा में लगा दे, जो अपना